हे गाइस, दिस इज शाम खान योर मियां बाय टॉक्स एडमिन, और हम लोग पहुंच गए हैं एक्सपो 2020। तो अभी आपको मैं पूरा एक्सप्लोर कराऊंगा, पूरा तो नहीं करा सकता क्योंकि बहुत बड़ा है, 3 से 4 दिन लग जाएंगे मेरे को एक्सप्लोर करते करते, लेकिन हम लोग एक डे का पास लेंगे और उसके अंदर थोड़ा बहुत कवर करूंगा मैं, ठीक है। सो चलते हैं और देखते हैं। हम लोग एक्सपो स्टेशन में तो पहुँच गए, स्टेशन इतना प्यारा बनाया है एक्सपो का, तो एक्सपो कितना प्यारा होगा देखते हैं अंदर, और आपको मैं बताता हूँ एक्सपो के बारे में सब कुछ, इसके टिकट प्राइसेस और जो भी है सब कुछ मैं बताता हूँ। देख रहे हैं हम लोग पहुँच गए एक्सपो स्टेशन में, बहुत प्यारा बनाया है स्टेशन। अभी हम लोग स्कैन करके बाहर निकलेंगे और स्टेशन देखो, सिर्फ इतना प्यारा स्टेशन, हर जगह लाइटिंग 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 लाइटिंग। मैं टैप करूँगा, ये हो गया डोर ओपन, अब हम निकलते हैं बाहर, ठीक है। ये अब चल रहे हम आगे आगे, सॉर्टेड बनाया है ना, मतलब अपने मेट्रो कोई भी स्टेशन से आओ आप और एक्सपो का जो लास्ट स्टॉप है वहाँ उतरो, और सीधा मैं दिखाता हूँ आपको सामने वे कनेक्ट हो रहा है एक्सपो के लिए, ठीक है। और इसका ये जो दुबई का है ना पास, आपको एक आइडिया देता हूँ, आप आओगे ना एज अ टूरिस्ट है तो इसका 7 डेज का पास करवा लेना आप। वन कितना था? 110 दिरहम का, क्योंकि हम लोगों ने बेवकूफ़ी की थी पहले, आपको ब्लॉग में दिखाया था, जैसे कि हम लोगों ने कम में करा और उसके अंदर ही घूम रहे थे, कट रहा था ज़्यादा, तो अभी हम लोग को पता चला कि 110 दिरहम या 100 दिरहम में ये बनता है, जिसमें आपको अनलिमिटेड होता है, मतलब 110 दिरहम्स फॉर 7 डेज अनलिमिटेड स्वाइप्स। ओके, मेट्रो बस ओके, मतलब 110 दिरहम में मेट्रो में ट्रैम में और बसेस में यूज होगा इजीली। अभी देखो एक्सपो का गेट आपको दिखा रहा हूँ, एक्सपो के गेट में, ठीक है। अब देखो खाली व्यू देख के दिल खुश हो जाएगा आपका, ये हमारा पूरा ग्रुप आगे जा रहा है, आज रियलिटी में देख रहे हैं, वीडियो में बहुत बार देखा है ये वाला दुबई एग्जीबिशन सेंटर। ओके, ये देखो सिर्फ कितना मजबूत है यार, गड़क मजा आ गई। देख सकते हो हम लोगों ने एंटर किया था वहाँ सामने से, ये सामने सेंटर के डायरेक्ट जो मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट है, जैसे ही आप घुसोगे सामने ही दिखेगा दुबई एग्जीबिशन सेंटर, ठीक है। और ये है पे से हमें जाना है, यहाँ पे पासपोर्ट्स भी मिलते हैं फॉर ओनली फॉर एक्सपो, तो हम उसका भी, वो एक टाइप ऑफ सोविनर है, तो हम लोग देखेंगे वो लेंगे। अंदर एंटर करोगे तो आपको देखते साथ ही दिल खुश होएगा, और उसके बाद में यहाँ पे एक एक्सपो का पासपोर्ट मिलता है जो कि एज अ सोविनर है, क्योंकि वो सोविनर ऐसा काम आता है, लाइक आप जब भी कोई पवेलियन में जा रहे हो तो वहाँ पे स्टैंप होता है, वो स्टैंप आप मार सकते हो और ऐसा लाइक सोविनर आप उसको घर पे लेके जा सकते हो कि आप इधर इतनी कंट्रीज में घूमे हैं उनके पवेलियंस देखे, तो ये इस वजह से वो पासपोर्ट होता है, और वो पासपोर्ट का कॉस्टिंग शायद से 20 दिरहम्स है। जा रहे हैं टिकट्स के लिए, ये भाई आगे आगे चल रहे हैं, आगे हमारा ग्रुप चल रहा है पूरा, ये टिकट्स के लिए नीचे हम जा रहे हैं। अब टिकट का प्राइस आपको बताता हूँ, उसकी कॉस्टिंग्स बताता हूँ। टिकट काउंटर है, अभी हम लोग टिकट काउंटर में अंदर जा रहे हैं और आपको प्राइस बताता हूँ, ठीक है। हमने टिकट बुक कर लिया है, दिस इज़ आवर एक्सपो टिकट। ओके, देख सकते हो ये एक्सपो टिकट है हमारा, हमने टिकट काउंटर से नहीं लिया है, हमने ऑनलाइन बुक करा, और हमारे पास एयर अरेबिया का पास भी मिल गया था, उसमें 50% ऑफ, तो हमें और कम में मिल गई टिकट, तो अभी देखते हैं जाते हैं अंदर, आपको मैं अंदर का बताता हूँ क्या है क्या नहीं। एडमिशन है 1 डे का टिकट है 95 दिरहम, मल्टी पास मल्टी डे पास है 195 दिरहम, सीजन पास आपको मिल जाएगा 495 और फैमिली पैकेज 950। ओके, सो ये सब आप स्टॉप करके पढ़ सकते हो, ये एक्सपो का टिकट प्राइस है। फ्री ऑफ चार्जेस पासेस बच्चों लोग के लिए है, एंड यूथ पास कुछ तो होता है, और पर्सन ऑफ डिटर्मिनेशन पासेस, सीनियर सिटीजन पास फ्री है, स्टूडेंट पास फ्री है। ओके, सो देख लो ये सब है एक्सपो के बारे में, आप इधर से चेक कर सकते हो, ऑनलाइन भी टिकट कर सकते हो। हम लोगों ने टिकट तो निकाल लिया है आपको, जैसे कि हमने बताया टिकट्स, और हमें 50% ऑफ मिला है सम्राट भाई और डीजल की वजह से, क्योंकि उनने जब वो टर्की से आ रहे थे तो उनको एयर अरेबिया की तरफ से 50% ऑफ का पास मिल गया था, और इन्होंने 8 पासेस लेके आए थे हम सबके लिए, तो वही फ़ायदा हो गया हमारे लिए कि हमें टिकट बहुत सस्ती मिल गई, ठीक है। हमें चल रहा है एक्सपो की तरफ, अब तो एक्सपो इन्जॉय करवाता हूँ और मैं भी करता हूँ। तो एक्सपो का पासपोर्ट लेने जा रहे हैं जो कि एक सोविनर टाइप है, भाई ने ये पहले से सर्च करके रखा था, भाई ने बोला था मैं लूँगा ही जाकर, ये मेरा बहुत मन था लेने,
क्योंकि इधर हर पवेलियन का स्टैम्प लगता है पासपोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अभी आपको। दिस आर द सोविनियर्स ऑफ एक्सपो, सो वेर यू कैन फाइंड द डायरीज और टॉयज, उनका हुडी मर्चेंडाइज, और ये रहा एक्सपो का पासपोर्ट जो कि 20 दिरहम्स का है, यानी कि 400 रुपीस। ओके, पासपोर्ट जो आपको मिलता है एक्सपो का, ठीक है, इसके अंदर आपको स्टैंप लगाना था पेविलियन का, जितने भी पेविलियन में आप विजिट कर रहे हो, लाइक ओरिजिनल पासपोर्ट जैसा इन्होंने बनाया एक ऐसा सोविनियर, ये 20 दिरहम्स का होता है जो भाई अभी परचेस कर रहे हैं। So this is 20 dirhams, guys. I have been paying in cash. Okay. So this is 20 dirhams. So we have got this passport now. Finally. अभी हम लोग अंदर जाएंगे और पेविलियन के जितने भी पेविलियन में विजिट करेंगे इसके पास स्टैंप लेंगे, ठीक है। थैंक यू। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर एंटर होने के लिए, ठीक है, चलते हैं अंदर। और इधर आपको RT-PCR रिपोर्ट या तो फिर आपके डबल डोज वैक्सीन के सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तो ही आप अंदर एंटर हो सकते हो, ठीक है। ये एंट्रेंस है, ही आप देख सकते हो पीछे चेक हो रहा है वैक्सीन सर्टिफिकेट एंड योर टिकट। ओके, सो मैंने चेक करवा लिया है, अब मैं चल रहा हूँ क्यू से अपने एक्सपो में अंदर एंटर होने के लिए। पूरा घूम के जाना पड़ रहा है एयरपोर्ट की तरफ, इतना बड़ा लाइन है, पूरा घूम के जाना है मेरे को, ठीक है। फाइनली देख सकते हो मेरा पीछे सिक्योरिटी चेक है, वो क्लियर हो चुका है हमारा, लाइक सेम एयरपोर्ट की तरह चेकिंग है, लाइक हर चीज़ डालना होती है ट्रे में और वो स्कैन होके आता है। सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी है, और मेरे सामने दिख रहा है एक नंबर व्यू जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी, ठीक है। आप इंजॉय करना और हम भी इंजॉय करेंगे। ये एक्सपो का पासपोर्ट ज़रूर लेना अगर एक्सपो विजिट कर रहे हो, ठीक है। 20 दिरहम इज़ वर्थ फॉर योर सोविनियर्स, मतलब इतना तो चलता है। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं एक्सपो में, ये एक्सपो सामने मेरे, ठीक है, मैप मिल जाएगा यहाँ पर बाहर ही। सो अभी हम चलते हैं एक्सपो की तरफ। ओके, या अब इन्होंने प्रोवाइड किया है ये मैप एक्सपो 2020 का। सो इसमें आप मतलब अगर आप कभी जानना चाहते हो कि इधर क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो ये मैप से, और बहुत ही खूबसूरत है, मतलब ये तो स्टार्ट है। और हर कंट्रीज के फ्लैग लगे हुए हैं मेरे पीछे, 360 में आपको दिखा था, देखो ये साइड में भी लगे हुए हैं। ओके, हर कंट्रीज़ के जो भी पेविलियंस अंदर अवेलेबल है ना, उनके सबके फ्लैग लगे, और मेरे सामने ही है एक्सपो का एंट्रेंस। तो आपको मैं वो बैक कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ और दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ है आजू बाजू, तो ब्लॉग बहुत अच्छा बनने वाला है हमको इतना लग रहा है। श्योरिटी तो आपको भी मैं श्योरिटी दे सकता हूँ कि इन्जॉयबल होगा ये एंट्रेंस। और यहाँ लगे हुए हैं फ्लैग्स जहाँ से हमने सामने से एंटर किया अभी। ओके, ये लगी हुई है साइड में दुबई की ओल्ड चीज़ें, जैसे कि ये दुबई की पुलिस की गाड़ी है पहले की, ये जीप है, ये मिसाइल टाइप में कुछ है, और ये ओल्ड मर्सिडीज उनकी, और ये एक्सपो फ्रंट में पुलिस स्टेशन इधर भी है, और यहाँ पे भी स्मार्ट पुलिस स्टेशन है, हम लोगों ने देखा था, उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया मैंने। इसके अंदर ऐसा होता है ना, इसके अंदर कोई पुलिस वाला नहीं है। ओके, इसके अंदर आपको कंप्यूटर में ही अपनी कंप्लेंट फाइल करनी है, और जो भी है सब स्मार्ट है। ओके, डिजिटल साइड में है लैम्बोर्गिनी। ओके, ये एम्बुलेंस है, दिस इज एम्बुलेंस हाइपर स्पोर्ट रेस्पॉन्डर एक्सपो 2020, दिस इज एम्बुलेंस एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस भी लैम्बोर्गिनी है भाई, देख रहे हो कितना आगे है दुबई, देख सकते हो। एक रेकमेंड करना चाहूँगा वीडियो स्टार्ट होने से पहले, ब्रिंग योर कैप, ब्रिंग योर गॉगल्स एंड ब्रिंग योर वाटर, क्योंकि ये तीन चीज़ आपको एक्सपो में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि फटे धूप है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे मेन रेगिस्तान है आजू बाजू, इसलिए बहुत गर्म है, ठीक है। इधर आपको बिल्डिंग्स नहीं है, पूरा जो भी है रेगिस्तानी है, बहुत तो बहुत गर्मी है, तो संभाल के आना, कैप तो कैरी करना वरना धूप से पक जाओगे तुम लोग। अभी चलते हैं एक्सपो की तरफ, आपको मैंने दिखाया एंट्रेंस, अभी एंटर करते हैं अंदर और आपको एक्सप्लोर कराते हैं एक एक पवेलियन। अंदर एंटर कर रहा हूँ, सामने ही एंट्रेंस है हमारा एक्सपो का, और देख सकते हो आप रील्स वगैरह भी देख रहे थे, लेकिन अभी लाइव देख रहे हो मेरे साथ में, बहुत प्यारा यार।
फाइनली आ गया हमारे सामने एक्सपो का एंट्रेंस। पिक्चर में तो चलने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। ये एक्सपो का एंट्रेंस मेरे पीछे, चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। What happened next? Find out the future of Expo 2020 Dubai. Visit our experience hub at Rove Expo 2020 Hotel, District 2020. हमें यहाँ जाना है। इधर आने के बाद थोड़ा धूप से हटे हैं, वरना बहुत फटे धूप। इधर कैप के बिना मत आना और गॉगल्स के बिना मत आना, क्योंकि बहुत गर्मी है। ये देख सकते हो व्यू अंदर का। यहाँ पे रात में शोज होते हैं, साउंड भी आ रहा होगा आपको। वहाँ पे सामने ही शो वगैरह होते हैं। और अभी हम लोग एक एक कंट्री का पवेलियन विजिट करेंगे, तो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिटिंग एरिया बना के रखा हुआ है लोग को, जब शो वगैरह देखना होता है तो सिटिंग एरिया है ये, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अभी ब्लॉग को। सबसे पहले हमारे सामने ये दुबई का पवेलियन है, ओके। तो अभी आपको मैंने दुबई का पवेलियन का व्यू तो दिखाया बाहर से, अभी हम अंदर जाएंगे और आपको मैं बताता हूँ लाइक दुबई ने कितनी तरक्की किया है, क्या किया है, सब बताएगा अंदर। तो अभी चलते हैं और देखते हैं। हमने अपने ब्लॉग में देखा होगा स्टार्टिंग में तो ड्रेसेस चेंज है, तो अभी चेंज किया है हम लोगों ने, और अभी हमने जा रहे हैं दुबई के पवेलियन में सबसे पहला, ओके। तो वहाँ जाता हूँ, और हमारे पासपोर्ट में भी स्टैम्प लगेगा, जो हमारा एक्सपो का पासपोर्ट है उस पर भी स्टैम्प लगेगा दुबई का। सो अभी आप व्यू एंजॉय करो। तो अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जा रहे हैं आगे, क्योंकि हम लोग लग्जमबर्ग जा रहे हैं अभी, क्योंकि दुबई पे जाने वाले थे लेकिन दुबई लाइन बहुत है वहाँ पे, और स्मार्ट क्यू का ऑप्शन जो है स्मार्ट क्यू के अंदर उसका ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, जो ऑप्शन जो स्मार्ट क्यू में नहीं दिखा रहा है। हमारे पास 10 स्मार्ट क्यू है, उसके अंदर से हमें यूज करना है। तो हम लोगों को 10 कोई ऐसा पवेलियन देखना है जिसमें हमें लाइन ज़्यादा है, तो इसमें लाइन ज़्यादा थी फिर भी हमने यूज़ किया लेकिन हमको मिला नहीं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लग्जमबर्ग, ओके। देखो ये किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का पवेलियन। पानी की प्यास बहुत लग रही है चलते चलते। अच्छा है कि हम लोगों ने बॉटल कैरी किया, तो रिफिल है मशीन पानी भरने के लिए, तो हम लोग देखते हैं अभी रिफिल करते हैं, ठीक है। तो अभी लग्जमबर्ग भी जो है दूर है इधर से, तो हम चलते चलते जा रहे हैं, क्योंकि इधर अंदर कुछ है नहीं वे जाने के लिए, लाइक बगी एंड ऑल है, उसका चार्जेस है तो इतना मतलब नहीं है बगी वगी के लिए। तो हम चल के ही जा रहे हैं अभी लग्जमबर्ग। आपको लग्जमबर्ग के बारे में बताता हूँ अंदर का पवेलियन के बारे में, ओके। सो स्टे ट्यून्ड। फाइनली हम लोग लग्जमबर्ग के पवेलियन के पास पहुँच गए हैं। ये हमारे सामने लग्जमबर्ग का पवेलियन, ठीक है। ये देख सकते हो लाइन ज़्यादा नहीं है, यूके में यूएस में लाइन ज़्यादा नहीं है। यहाँ से हम जा रहे हैं अभी लाइन में, ठीक है। ये भाई आगे आगे और मैं पीछे पीछे। सो फाइनली वी हैव रीच्ड टू लग्जमबर्ग पवेलियन, लेट्स सी हाउ इज इट फ्रॉम इनसाइड। यस, सो लेट्स सी कैसा लगता है। बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा, बहुत मुंह लाल लाल हो गया, और लाइन भी कम है, अच्छी बात है, वरना लाइन ज्यादा होती है तो वाट लगती है। तो देख सकते हो लाइन कम है लग्जमबर्ग जाने के लिए। सो लाइन से हटके फिर मैं आपको वीडियो आगे कंटिन्यू। सी लग्जमबर्ग, ओके। लग्जमबर्ग का पवेलियन ये है। अब हम जा रहे हैं अंदर। वी आर एंटरिंग इन द लग्जमबर्ग पवेलियन। ये इनका एंट्रेंस है, एंट्रेंस है ये, ठीक है। ड्राइवर्स
so they are welcoming us. राउंड राउंड है, ऊपर चढ़ते जा रहा हूँ मैं, ठीक है राउंड, सो ऊपर देखते हैं अभी क्या है आज। This is the way for slide. तो स्लाइड में भी इंजॉय करेंगे, देखेंगे लाइक स्लाइड कैसी है, ठीक है। सो इट विल बी इंजॉयबल, सो आप लोग भी इंजॉय करो हमारे साथ। लाइन बहुत होती है, लाइन है पूरा, लाइन से जाना पड़ता है पूरा। दिस इज द स्लाइड जिसमें हम जाने वाले अभी, और भाई भी जाने वाले साइड में, ओके अभी देखते हैं क्या होता है। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, लाइक हमें एक्चुअली ऐसा करना है, मतलब एक फन था एग्जिटिंग द पवेलियन स्टैम्प। सो अभी हमारे पास जो पासपोर्ट है जो हमने सोवी ने लिया है उस पर हम स्टैम्प करेंगे दैट वी हैव विजिटेड टू अस। कैन वी डू दिस? या सो सो भाई अभी स्टैम्प कर रहे हैं अपने पासपोर्ट पे। यू नीड द स्पेस? या ओके, ये हमने कर दिया स्टैम्प। फाइनली वी गॉट द फर्स्ट टाइम। या या थैंक यू, बाय बाय। तो हमने अभी एग्जिट किया है, तो देखो एक्सपो के दोनों बच्चे जा रहे हैं, ये एक्सपो के दोनों बच्चे हैं। राइड कैसी थी? राइड तो बहुत प्यारी थी। लग्जमबर्ग में हमने विजिट किया, लग्जमबर्ग में एक स्पेशलिटी थी पवेलियन में जो ये स्लाइड जो हमने एंजॉय किया भाई, बाकी तो नॉर्मल ही लगा। फ्री ऑफ कॉस्ट, सो डोंट वरी। हाँ, अगर आप आओगे तो स्लाइड एंजॉय कर सकते हो फ्री में। ओके सो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं हमारे दोस्तों को देखने, उन लोग किधर है? ओके हमारे यूके साइड में कौन कौन ढूंढेंगे उनके साथ में फिर घूमेंगे, ठीक है। वी आर एंटरिंग टू द यूके पवेलियन नाउ। ओके यह है यूके पवेलियन।